हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पाराशरी एस्ट्रोलॉजी की मिरर इमेज है। पाराशरी एस्ट्रोलॉजी में हम क्या प्लैनेट्स को देखते हैं, उनके एस्पेक्ट कंजंक्शन को देखते हैं और दशा किसकी चलती है, प्लैनेट की चलती है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, एस्पेक्ट और कंजंक्शन ज़ोडियक साइंस के होते हैं, यानी राशियों के होते हैं, और दशा प्लैनेट्स की नहीं होती है, दशा राशियों की होती है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है उसकी दशाएं जो है वो जन्म के बाद बनती हैं, यानी अगर आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है उसी दिन से दशा स्टार्ट होगी, बिल्कुल न्यू दशा स्टार्ट होगी, पुरानी दशा नहीं चल रही होगी। पाराशरी में ऐसा नहीं है, पाराशरी में जो है वो पुरानी दशा चलती हुई होती है। जैसे किसी की दशा चल रही है शनि की, तो उसके 3 महीने 4 महीने समाप्त हो चुके होते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन जैमिनी में ऐसा संभव नहीं है, जैमिनी में दशा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसमें राशियों की दशा होती है, ज़ोडियक साइन की, प्लैनेट्स की दशा नहीं होती है। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिकल है, अगर आप देखो तो डिग्री वाइज होता है, इसमें हाईएस्ट डिग्री, फिर सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है, फिर थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है, इस तरीके से 7 जो है वो प्लैनेट हैं। राहु केतु को ये लेते नहीं है जेमिनी प्रेडिक्शन में। और इसमें अब जो हाईएस्ट डिग्री हो गई वो आपका सेल्फ हो गया, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट हो गया वो आपका वो हो गया मनी देगा, थर्ड हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वो आपका भाई बंधु हो गए, फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला आपका प्रॉपर्टी हाउस व्हीकल हो गया, फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री वाला जो है वो आपका हो गया एजुकेशन और लव अफेयर, ठीक है, और गुड हेल्थ। सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट जो हो गया आपका ऋण रोग शत्रु, और सेवन्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो हो गया वो आपका हो गया स्पाउस बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो 7 सिग्निफिकेशंस ही हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, इससे ज़्यादा नहीं है। आप अपने हॉरोस्कोप खोलो, डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, फिर लोएस्ट, फिर सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, सिक्स्थ लोएस्ट, सेवन्थ लोएस्ट तक देखो, और डिग्री फिर आप मिनट में निकालो, क्योंकि हो सकता है 2 प्लैनेट की डिग्री सेम हो लेकिन मिनट्स में जब आप निकालोगे तो उसमें चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा। तो ये यूज़ होता है, प्लैनेट्स की डिग्रीज का यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन जो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी वेरिएबल्स बिल्कुल अपोजिट हैं, थिंक अपोजिट हो गया ये पूरा। 3 तरीके के फिलॉसफी होती है, थिंक डिफरेंट, थिंक पॉजिटिव, थिंक अपोजिट, तो ये पूरा अपोजिट है पाराशरी का। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा अपना ब्रेन को अपोजिट करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। आगे हम और डिस्कस करेंगे जेमिनी के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।